हेलो, गुड इवनिंग। सबको शाम का सलाम। हाँ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हम शुक्रगुजार हैं कि आप एक दफा फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। एंड वी वेलकम यू इन द वंडरफुल नेम ऑफ जीसस। और मसीह यीशु के कुदूस और बाबरकत नाम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और सलाम पेश करते हैं। लेट्स हैव अ वर्ड ऑफ प्रायर। आए हम दुआ करेंगे। Father in heaven, we come before you. आसमानी बाप, हम तेरे खदूर आते हैं, We worship and adore you. हम तेरी प्रस्तुति करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। We thank you for all the blessing you have bestowed upon us. खुदा ने अंतर माम बरकत के लिए जो तूने हमें बख्शी है उनके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। Thank you for your faithfulness. खुदा उन हम तेरी वफादारी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। Thank you for giving us your word. खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपना कलाम हमें जारी किया। And thank you for giving us this opportunity to meditate on your word, learn from your word. और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने कलाम से खुदा हमें सीखने का मौका दिया ताकि हम उसके ऊपर इस्तगरा कर सके, मुशाहिदा कर सके, मुतालिया कर सके। Lord, I pray for the commitment of this wonderful dear brothers and sisters. खुदावंद इनके इन प्यारे खुदावंद बहन भाइयों की खुदावंद इस तेरे साथ खुदावंद वाबस्तगी के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी गुजारी करता हूँ। Thank you for the commitment of GMBI staff and the commitment and the leadership of Shakib. खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद GMBI स्टाफ की खुदावंद इस सारी कमिटमेंट के लिए और खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने लोगों की मदद की ताकि वो खुदाउंद बेहतर तौर पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ खुदाउंद GMBI के साथ खुदाउंद वाबस्ता रह सके। खुदाउंद Bless Pastor Nadim, Sister Nasreen, all the GMB staff, Sister Angela and Mavish. मैं दुआ करता हूँ कि खुदाउंद पास्टर नदीम को, खुदाउंद बहन नसरीन को, खुदाउंद एंजला को, मैविश को खुदाउंद तू बरकत देना। खुदाउंद जो खुदाउंद हुमा को बरकत देना जो खुदाउंद हमारा बेहतरीन खुदाउंद स्टाफ है। Lord, enlarge our territories. खुदा मैं दुआ करता हूँ हमारी हदूद को बढ़ा, Make us a blessing for many people. हमें खुदाउंद बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस बना। Bless our time of learning your word. खुदाउंद हमारे इस कलाम को सीखने के सारे वक्त को बाबरकत बना। In your precious name we pray. तेरे खूबसूरत बेशकीमत नाम में ये दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन आमीन। If you have your Bible, would you please open 1 Corinthians chapter 3? अगर आपके पास आपकी बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो बड़ा मेहरबानी मेरे साथ निकालें पहला क्रंथियों कहा तो उसका तीसरा बाब। And in this course, we are talking about church planting, starting new churches. और इस कोर्स के अंदर हम कलीसिया की प्रेरणकारी या नई कलीसियाओं के क्याम के ताल्लुक से बात करेंगे। We were talking about what is a church? और हम बात करेंगे कि कलीसिया है क्या है। Well, last 2 sessions, we have been talking about. What is the function of the church? What is church? पिछले 2 क्लासेस हम बात कर रहे हैं कि जो कलीसिया का फंक्शन है या काम करना है वो क्या है, कलीसिया क्या करती है उसके ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। And then here Paul speak about the workers or the ministers of God in the church. और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल बात कर रहे हैं कि जो खुदा के काम करने वाले हैं, खुदा के कारकुन हैं, खुदा के लोग हैं, उनका कलीसिया के अंदर काम क्या है, वो क्या काम करते हैं। Verse number 5, chapter 3, verse number 5. पहला क्रंथियों उसका तीसरा बाप और उसकी 5वीं आयत। Let me give you a little background of 1 Corinthians that there was some division in the church. मैं आपको कुछ पस मंजर बताऊंगा, तारीख बताऊंगा करंथस की, और वो ये थी कि करंथियों की कलीसिया के दरमियान एक तकसीम चल रही थी। And some said, I belong to Paul, I belong to Apollos. I belong to Cephas, Peter. Some said, oh, I belong to only Christ.
और मसला क्या चल रहा था कि यहाँ पर कुछ कह रहे थे कि मैं प्लूस का हूँ, मैं अपलूस का हूँ, और इसी तरह जो सी एक कश्मकश थी और इसी तरह की एक जो तकसीम थी वो उनके दरमियान चल रही थी। And Paul said, "Is Christ divided? What's going on here?" और पुलुस उसने बड़ा ही एक वाजिया तौर पे उनसे सवाल किया कि क्या मसीह बट चुका, तकसीम हो गया, क्या चल रहा है तुम्हारे दरमियान? Paul said, "All of us, we are just workers." पुलुस रसूल ने कहा कि हम सब के सब सिर्फ एक काम करने वाले कारकुन हैं। We are just contributing our part, we are playing our role. और पुलुस रसूल ने कहा कि हम सारे सिर्फ एक अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, हम अपना सिर्फ एक हिस्से की अदायगी कर रहे हैं, उसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं। What's number five says? Who then is Paul? Who is Apollos? But the minister through whom you believe as the Lord gave to each one. लेकिन यार प्लूस क्या चीज है, और प्लूस क्या हादम जिनके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हसीयत जो खुदावंद ने उससे बख्शी। I planted, Apollos watered, but God gave the increase. मैंने दरख्त लगाया और अपलूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। So, Paul is not talking about that he was going out to planting trees like some people do that to bring more greenery in the country. Of course, it's good to plant trees, that's wonderful, but that's not what Paul is talking about. देखिए यहाँ पर पलूस रसूल जब दरख्त लगाने की बात कर रहा है तो वो शजरकारी की बात नहीं कर रहा, जैसे कि आज बहुत से लोग वो शजरकारी करते हैं। और शजरकारी के लिए आपको पता है कि शजरकारी की मुहिम भी ममालिक के अंदर चलाई जाती है ताकि आलूदगी से मुल्क को पाक किया जा सके और माहौल को साफ किया जा सके। But here Paul is talking about planting a church, starting a new thing, starting a new church. लेकिन यहाँ पर जोन सी पलूस रसूल बात कर रहा है वो कलिसिया की पियोदकारी की बात कर रहा है, नई कलिसियों के क्याम की बात कर रहा है और कलिसिया की शजरकारी के ताल्लुक से बात कर रहा है। So then, neither, verse number seven, so then neither he who plants anything nor who waters. But God who gave the increase. फिर लिखा हुआ सातवीं आयत में, पस ना लगाने वाला कुछ चीज है ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। The God has, I mean, God has the greatest role. इसका मतलब क्या है कि खुदा का इसके इस सब कुछ के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है। We keep on watering, we keep on planting, but the things doesn't grow. I believe it's very frustrating, very disappointing, आपको आपको पता है हम पानी लगाते हैं, हम उसके लिए मेहनत करते हैं, हम उसकी गोदी भी करते हैं, लेकिन वो अगर नशोनुमा पा सकता है, बढ़ता है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही सबब है और वो खुदावंद यीशु मसीह है जो उसको बढ़ाता है और उसको बड़ा करता है। Now he who plants and he who water at the one, each one will receive his own reward according to his labor. और क्या लिखा हुआ है, और वो जो लगाता है और वो जो उसे पानी देता है, दोनों एक है, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा। दिस इज ब्यूटिफुल इनकरेजमेंट. ये वाकई बहुत ही जबरदस्त एक हौसला फजाई की बात है, हौसला फजाई है। That God doesn't forget our work, even the minute and minor work we have done for the kingdom. इसका मतलब यह है कि खुदा हमारे हमारे काम को कभी नहीं मोलता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे काम की नोयत कितनी है, यदि हमने काम ज्यादा किया है या हमने काम कम किया है, खुदा हमारे काम की अहमियत देता है, ना कि इस बात को कि हमने कितना काम उसके जलाल के लिए किया है। So we should always remember, he who plants, he who waters,
are the one. They are the same. They are the one. And they will receive their reward. जरा बड़े ध्यान के साथ सुने, इसका मतलब क्या है कि वो जो पौधे को लगा रहा है और वो जो पौधे को पानी दे रहा है वो एक ही है, उनका किरदार एक जैसा ही है, लेकिन मसीह यसु उसका किरदार सबसे अफजल है, जो कि उस पौधे को बढ़ाता है और उस पौधे को तकवीय देता और तरक्की देता है। So, when we plant new churches, we need to have a starting point. इसका मतलब है कि जब हम नए कलीसियाओं का क्याम तश्कील देते हैं तो जारी बात है किसी भी चीज के क्याम का या उसके क्याम से पहले कुछ कोई बुनियादी बातें जरूरी हैं, उसका Preparation is आगाज, very important. जो तैयारी है वो बहुत ही अहम है, बहुत And अहमियत रखती है। careful planning, careful start, it's so important. और जो सा जिम्मेदारी के साथ तैयारी है और जिम्मेदारी के साथ आगाज है वो बहुत ही ज्यादा अहम है और अहमियत रखता है। Because once we have the wrong start, I believe we will have wrong finish until we make corrections. इसका वजह क्या है, क्योंकि जब हम एक गलत आगाज लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसका इख्तिताम भी गलत होगा। वजह क्या है, क्योंकि उसका आगाज गलत था, इसलिए जो आगाज है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। Careful planning is very important. जो सी ध्यान के साथ मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ जो सी उसकी मनसूबा बंदी है वो बहुत अहम है। So it starts with a prayer. It means we are showing our partnership with God. जब हम ये कह रहे हैं कि इसका आगाज एक दुआ से हो रहा है तो इसका मतलब है कि जब हम दुआ के साथ आगाज कर रहे हैं तो हम खुदा के साथ एक पार्टनरशिप बांध रहे हैं, ऐद बांध रहे हैं। We are teaming up with God Almighty and इसका with the मतलब यह Holy है कि हम Spirit. खुदावन के साथ और पाक रूह के साथ मिलकर हम एक टीम की सूरत में काम कर रहे हैं और हम उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, हम मिलकर आगाज कर रहे हैं। Okay, and then formulating a team, making a team. और फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक टीम की तश्कील कर रहे हैं, टीम को तश्कील दे रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि किसी भी मंसूबे के लिए टीम की तश्कील बहुत अहमियत रखती है। Jesus sent team two by two. हम देखते हैं कि मसीह यसु ने भी इस टीम का जो सा इस्तेमाल किया और उसने दो दो करके शागिर्दों को भेजा। James and John, they were a team in his inner circle. और हम देखते हैं कि यूसुफ और यूहन्ना जो सा वो अपने अंदरूनी दायरा के अंदर वो एक टीम के तौर पर गए। Moses and Aaron, हारून और मूसा, Joshua and Caleb. यशवर कालब, Once we don't have a teamwork and good connection with the team, the things will collapse sooner or later. और इसका मतलब यह है कि जब हमारी टीम नहीं होगी और हम एक टीम की सूरत के अंदर काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि कुछ देर के बाद जरूर है कि जो सा मकसद है और जो मंसूबा है वो नाकाम, बुरी तरह नाकाम होकर हो जाएगा, क्योंकि वजह यह कि उसके लिए टीम नहीं है। We thank God for the GMBI staff, that teamwork we have. हम खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं जीएमबीआई स्टाफ के लिए और इस सारे टीम वर्क के लिए जो खुदावंत ने हमें दे रखा है कि बड़े मुत्तहिद होकर हम अंजील की मुनादी हम कर रहे हैं और लोगों को कलाम के लिए तैयार कर रहे हैं। I had a wonderful meeting this morning with Keith and Paul. That was a good time of discussion, good time of planning, good time of prayer.
और आज सुबह ही हमारे जो उनसे डीन है और वाइस प्रिंसिपल है कीथ और डॉक्टर पॉल मॉर्श है, उनके साथ मेरी बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई और हमारा बड़ा अच्छा वक्त रहा। हमने मिलकर शफायत की, हमने दुआ की और हमने मंसूबा बांधी बांधी स्टूडेंट्स के लिए। So I really thank the Lord. I mean, I really admire, I appreciate the team, God has given to GMBI. और मैं इसलिए खुदावंत की शुक्रगुजारी करता हूँ इस सारी GMBI की टीम के लिए जो खुदावंत ने मुमकिन किया कि हम उसको बना सके और मिलकर खुदावंत के नाम को जलाल दे सके और मिलकर मसीह के काम को कर सके। So it goes through the different steps, and of course, we will be talking about these steps. It's sowing the seed, evangelism, number two. और जहरी बात है कि इसके जो से मुख्तलिफ मराहल हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि आप बीज बोना और दूसरा है बीज बोना और बीज और उसके बाद बीज को बोना। Then we have the trimming, we have discipline, we have cleaning, all those things take place. और हम देखते हैं कि उसके बाद जिसके अंदर हमारे पास आता है कि कैसे हम बेहतर तौर पे टीम बना सकते हैं, कैसे हम बेहतर तौर पे मंसूबा बंदी कर सकते हैं, हम कैसे बेहतर तौर पे हिकमत अमली तैयार कर सकते हैं और मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं। And then we have preparing the leaders. और फिर हम देखते हैं कि कैसे हम बेहतर तौर पे नए जो लीडर्स हैं उनको तैयार कर सकते हैं खुदा उनके कलाम के लिए। So let's start with prayer and guidance of the Holy Spirit. आए खुदावन के जो 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 दुआ है और पाकरू की जो सी क्यादत है और रहनमाई है उसके ताल्लुक से बात का आगाज करते हैं। Let's open Isaiah chapter 55, verse number 8 and 9. मैं शायद निकाले यशाया उसका 55 बाप और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। यशाया 55 बाप। The Bible says, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways," says the Lord. और खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना ही तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. और कलामे मुकद्दस में लिखा है और जैसे मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से और लिखा हुआ है नौमी है क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर हम मेरी मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। So this Bible verse tells us that God's thoughts and ways are higher than our ways. इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस की ये आयत हमें बताती है कि खुदावंत के जो रास्ते हैं और खुदावंत का जो तरीका कार है वो हमारे तरीका कार से और हमारे रास्ते से हमारे ख्यालों से मुकम्मल फर्क है और मुकम्मल बालातन है उसके ख्याल हमसे और हमारे ख्यालों से। Because sometime we feel we are doing the right thing, but that might be the wrong thing we are doing. क्योंकि कई दफा हम इस तरह सोचते हैं कि शायद हम ठीक काम कर रहे हैं लेकिन हम वो ठीक काम नहीं करते बल्कि वो काम जो हम करते हैं वो हम अपनी मान मर्जी के बायस करते हैं और वो काम गलत होता है जो हम करते हैं। Because the Bible says, there is a way that seems right unto man, but at the end there is destruction. क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ऐसा रास्ता है जो इंसान की नजर में तो भला दिखता है लेकिन उसके आहर में बर्बादी है। Jesus said, if यीशु ने कहा the light that is in you or in your eyes is darkness, how great is the darkness? तो फिर अगर यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो रास्ता तुम्हें जरा जो तुम्हें रोशन लगती है और उसमें अंधेरा है तो कितना ज्यादा वो अंधेरा है और कितना तारीख वो रास्ता है। Now here we see two things, thoughts and ways.
अब यहाँ पर हम दो चीजों को देखते हैं, कि एक तो पहला बात ख्याल और दूसरा Now, we can have thoughts, but the way we implement or put that thought into action might not be the right way. और जब हम उन ख्यालों को हम अमल के अंदर लेकर आते हैं तो वो हो सकता है कि वो जो उनसा अमल है और या वो ख्याल जो उनसा वो ठीक ना हो, क्योंकि हम वो राहें जो उनसी हैं वो ठीक दुरुस्त नहीं है। Because we can do the right thing, but still in a wrong way. क्योंकि हो सकता है कि हम ठीक तो कर रहे हैं लेकिन हम गलत रास्ते का चुनाव किए हुए हैं, और वो गलत रास्ते का चुनाव ही वो हमारे हर एक बात को ठीक, हमारे इरादे को भी वो गलत कर देगा। So it is good to know the ways of God, the thoughts of God, and the ways of God. इसलिए ये बहुत ही ज्यादा अहम बात है कि हम खुदा के रस्ते को और खुदा के ख्यालों को मुकम्मल तौर पर हम जाने और उससे आगाह हों। And we need that even in our personal life, in our और personal decision making. यहाँ तक कि हमें आप इसको अपने इस बात का ख्याल हमें अपनी जो जाती फैसला कारी है उसके अंदर भी इसका ख्याल हमें बहुत ज्यादा रखना चाहिए कि हम अपने जाती जो से फैसला जाते हैं उनके अंदर कितना ज्यादा इन बातों का ख्याल रख रहे हैं। Because once we follow a wrong way, it's going to affect many things. क्योंकि जब हम एक दफा एक गलत रास्ते का चुनाव कर देते हैं तो वो बहुत सी चीजों के ऊपर असर पजीर होता है। Proverbs chapter 16 and verse number 9. इम्साल उसका 16वां बाप और उसकी 9वीं आयत। A man's heart plans his way, but the Lord direct his paths or steps. और इम्साल लेट मी रीड इट फ्रॉम द बाइबल। ओके, जरा मैं बाइबल मुकद्दस से देखूंगा। इम्साल प्रोवर्ब्स चैप्टर 16। Chapter 16, verse number 9. यस यस सर। और इम्साल उसका 16वां बाप 9वीं आयत। आदमी का दिल अपनी ना राह ठहराता है पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। वाओ, We can make plan, but it's God. देखिए हम जरूर है कि मंसूबा बांध सकते हैं लेकिन खुदा है जो उस मंसूबे को जो से वो तरक्की देता है। Nothing is wrong to make plan. इस बात में कोई भी मजायका नहीं है, गलत बात नहीं है कि आप जो है वो मंसूबे बांधे, कोई गलत बात नहीं है। But it is wonderful that we have partnership with God in our planning. लेकिन ये बहुत अहम बात है कि हम अपने सारे प्लानिंग के अंदर हम खुदा को शामिल करें, खुदा को जाने, खुदा को इस सारे कुछ के अंदर हम शामिल करें। ये बहुत अहम बात है अजीजो। So, 1 Corinthians chapter 2 and verse number 11. पहला करंथियों उसका दूसरा बाप And और 11वीं verse आयत। number 11, the Bible says, "For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God." लिखा हुआ है खुदा उनके कलाम में मुकद्दस के अंदर, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है, इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। And here in verse number 10, it says, "For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God." लिखा हुआ है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रोया के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि
रूह सब बातों बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। एंड स्पिरिचुअल थिंग्स मस्ट बी कंपेयर विथ स्पिरिचुअल थिंग्स। और लिखा हुआ है कि जो सी रूहानी बातें हैं उनका मुआवजा हमेशा रूहानी बातों से ही होना चाहिए। We are talking about guidance of the Holy Spirit. हम यहां पर पाखरू की जो सी रहनमाई है उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं। Now, let's look at Acts chapter 8 and verse number 29. मिसाल निकाले अमाल उसका 8वां बाप और उसकी 29वीं आयत। Now, अमाल 8वां here the gospel come to Samaria. अब यहां पर हम देखें कि जो अंजील है वो सामरिया पहुंचती है। Here the gospel reaches out of Jewish community into another ethnic group. हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस सब यहूदियों से निकलकर एक और सामाजिक ग्रोह के दरमियान वो आती है। And Philip the evangelist preaches God's word, and the Bible says a great joy came to the city. और हम देखते हैं कि फिलिप जो खुदा उनका खादन था उसने खुदा उनके कलाम की मुनादी शहर के अंदर की और हम देखते हैं कि शहर के अंदर एक जबरदस्त अजीब सी शादमानी आ गई And many people were coming to the Lord. और बहुत से लोग जन सकते खुदा के पास आ रहे थे। हम But then, verse number 29, there is a sudden turn, change in his ministry. लेकिन हम देखते हैं कि 29वीं आयत के अंदर उसकी खिदमत के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का और अजीब जो है वो तबदल आता है। And then the Spirit said to Philip, "Go near and overtake this chariot. There is a chariot coming from Ethiopia, and I want you to talk to that man, Ethiopian man." और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ नतीजा है रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले बस। And that's what he did. और ऐसे ही उसने किया। And then he left the great revival, the great crusade that was going on, and many people were coming to the Lord. And now God is leading him just to one person. और अब देखें कि खुदा जिसने इसने ये काम को मुकम्मल इस क्रूसर को Please. मुकम्मल किया और आगे थैंक यू आगे बढ़ा। और हम देखते हैं कि खुदा ने यहाँ पर अब उसे एक इस सिर्फ शख्स तक महदूद कर दिया। And he shared the gospel with that Ethiopian man. और इसने क्या किया कि उस जो सा अथोपिया का शख्स था उसके साथ खुदा उनके कलाम की मुनादी की उस हबशी के साथ। And then he went back and look at that. Still, we have Christianity, big church, Coptic church over there in Ethiopia. देखिए कैसे हम देखते हैं कि वो तो वापस चला गया फिलिपस खिदमत करने के बाद मनाबिदी करने के बाद लेकिन आज भी खुदावंत की शुक्रगुजारी हो कि एथोपिया के अंदर एक बड़ी कलीसिया का क्याम है। खुदावंत के नाम की तारीफ हो। So God knew that what he was doing. इसका मतलब क्या है कि खुदा जानता था कि खुदा क्या कर रहा है। That here is a man from other country. He need the gospel. Once he is saved, he will go back and he will touch his nation. और देखे कि कैसी जबरदस्त बात है कि एक शख्स उसने अंजील की मुनादी की और वो वापस गया और वहां पर उसने एक आ, आ, कौम को वो छुआ और खुदावंद ने उनको बरकत दी। Don't just think about numbers always. मत हमेशा नंबर्स की तरफ ध्यान करें और नंबर्स की तरफ तवज्जो करें। Don't just think about a big crowd. You never know. God used to touch one life, and that one life can bring great blessing to a nation. Amen. और देखे कि मत परेशान हो
के आपको खुदावन ने एक रूह तक महदूद किया हुआ है। खुदा आपको एक रूह के वसीला खीर से कौमों को छूने का इस्तेहकाक बख्शेगा, और उसी एक शख्स के वसीला से खुदा कौमों की तब्दीली का सबब ठहरा सकता है। Mordecai Ham preached the gospel. One young man came to the Lord, and his name is Billy Graham. और हम देखते हैं कि मर्द गाय खाम ने जो है उसने खुदावंद का कलाम सुनाया, और एक बच्चे ने निजात पाई और उसका नाम बिली ग्राम था, और उसने पूरी दुनिया के अंदर लोगों को खुदावंद की अंजील सुनाई। Hallelujah. Let's go to Acts chapter 16. मेरे साथ निकाले अमाल उसका 16वां बाब। Now here we see the progression of the gospel of Jesus Christ. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मसीह यीशु हैं उनके वसीला से जो जो Evangelism तरक्की है is उसको moving forward. हम देखते हैं कि कैसे जो उनकी बशारत है वो आगे बढ़ रही है। And now in this chapter we find what we call Paul and Silas are having their second missionary journey. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पलूस और सलास का जो दूसरा मिशनरी बशारती दौरा है उसके ताल्लुक से हम देखते हैं। Now they visit the churches they had visited before, they have planted before. हम देखते हैं कि उन्होंने उन कलीसियाओं को विजिट किया जिनको उन्होंने पहले से तामीर किया था, और खुदा ने उनको फजल दिया था कि वो उन पहली कलीसियाओं का क्याम रख सके। Shaki, would you kindly read verse number 6 to 10? मेरे साथ निकाले अमाल उसका 16वां बाप उसकी 6वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और वो फरीका गलतिया के इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूल कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और उन्होंने मुसिया के करीब पहुंचकर बतवीना में जाने की कोशिश की, मगर यस्सु के रू ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मुसिया से गुजर कर त्रवास में आए, और पलूस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझते हैं कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया। Amen. So you see here, Paul and Silas are preaching the gospel in Asia. आप यहाँ पर हम देखते हैं कि पलूस और जो सिलास हैं वो खुदा उनके कलाम की मनाती जो उनकी है वो एशिया के अंदर करते हैं। But the Holy Spirit forbade them to preach the gospel, continue to preach the gospel in Asia. लेकिन हम देखते हैं कि पाखरू जोन्स है वो उनको रोकता है कि वो जो एशिया के अंदर अंजील को जारी ना रखें, बल्कि वो उनको आगे बढ़ने को कहता है और उनको आगे बढ़ाता है। Then the Bible say a vision appeared to Paul at night, and there was a Macedonian man was appealing, was crying, come over us and help us. और हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि रात को रोया आई, और रोया के अंदर मकदूनिया का एक शख्स वो क्या इल्तिजा कर रहा है कि हमारे इलाका के अंदर आ। वो रोया के अंदर इस बात को देखता है। And then they went to Philippi. They enter into the continent of Europe. And then in Philippi, that was the city in the province of Macedonia. और हम देखते हैं कि वो मैसेडोनिया मकदूनिया का जो अंश था वो एक सूबा था, और वो फिलिपी के अंदर दाखिल होते हैं, और फिलिपी जो अंश है वो यूरोप के अंदर आता है। इसका मतलब है कि वो यूरोप के अंदर एशिया से अब खुदा उनको यूरोप की तरफ लेकर आगे बढ़ता है।
And now the gospel came to Europe, and think about that. A woman came to the Lord, Lydia, who was by the river, and there they met each other, and the church started over there. और जरा देखिए वहां पर खुदावंत कैसे उनको इस्तेमाल करता है, और कैसे एक औरत लिदिया जो है वो खुदावंत को कबूल करती है, और कैसे जो अंजील है वहां पर लुदिया, सॉरी लिदिया नहीं लुदिया, जो है वो कैसे वहां पर अंजील जो फैलना शुरू हो जाती है, और खुदावंत जिस औरत को इस्तेमाल करता है अंजील के फैलाव के लिए। वाह God is so wonderful. हमारा खुदा वाकई बड़ा अजीम और जलाली खुदा है। The thing is that it's important to live in the guidance of the Holy Spirit. अहम बात यह है कि ये बहुत जरूरी बात है कि हम पाक रूह की खुदा की रहबरी और रहनुमाई के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारें। ये सबसे अहम और जरूरी बात है। We have the close relationship, partnership with the Holy Spirit and God, and say, Lord, I don't want to do anything without you. और हमारा खुदा से एक गहरा और करीबी रिश्ता है। आए क्यों नहीं हम पाखरू को कहते कि पाखरू मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं करना चाहता। Because we might waste our time, get disappointed, and still we catch nothing like the क्योंकि खुद disciple. They try to catch fish the whole night and they caught nothing. क्योंकि हो सकता है कि हम जन है वो शगिर्दों की तरह जिन्होंने सारी रात जाल डाला और कोई मछली उनके हाथ ना आई, हो सकता है कि हम भी शायद ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन खुदा से नहीं मांग रहे। खुदा ये चाहता है कि हम उससे मांगे और वो हमारी मदद करने में दिलचस्पी रखता है। And when he comes and he tells, now cast on this side of the net, cast your net on this side, then a big catch will come. और आपको पता है कि जब हम खुदावंत को कहेंगे कि खुदावंत मैं तेरे साथ मिलकर खुदावंत जाल डालना चाहता हूं, तो खुदावंत आपको कहेगा इस जगह के ऊपर जाल डाल, क्योंकि वो जानता है कि कहां से उसने तुझे मुहैया करना है। क्यों नहीं तो खुदा को कहता कि खुदा आ मैं तेरे साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। Hallelujah. हालेलुया This, has really challenged all of us. But I believe all of us, we need that. I need it. You yeah. need, all of us, we need Yes. it. Yes. मैं ये सोचता हूँ कि ये जो सी बात है ये हमें बहुत ज्यादा हमें हदफ देती है, चैलेंज देती है। मुझे इस चैलेंज की जरूरत है, आपको इस चैलेंज की जरूरत है, हम सबको इस चैलेंज की जरूरत है, क्योंकि इस हदफ के अंदर हमारी कामयाबी छुपी है और हमारी मंजिल की अबूरी इसके अंदर मुकीम है। Let's not get too busy that we ignore. We don't have time to hear the वाह voice यस of God, the guidance of यस the Lord. आए मत इतने मसरूफ हो जाए कि हम खुदा की आवाज और उसकी रहनुमाई को सुनना ही भूल जाए और हमारे पास वक्त ना हो कि हम मुझसे कहें ए खुदा ए मसीह मुझसे बोल, मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। Hallelujah. Pastor Nadeem, would you kindly close us with prayer? पास्टर नदीम भाई मेहरबानी आप इस सारी तलीम को दुआ के साथ उसका इख्तिताम करें। Thank you, Jesus. If he's not available, then someone from Faisalabad campus. श्योर, अगर पाजी साहब यहाँ पर नहीं है कोई बात नहीं है, बड़ा मेहरबानी कोई भी दुआ में मदद करें, जिसको भी खुदा का पाकरू तहरीक बख्श रहा है, अपना माइक खोले और दुआ करें जी प्लीज। कदोस इंदा मेहरबान जलाल शनबाप मसीह उसके नाम से हम तेरे पास आते हैं, आइए शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम हमें जिंदा और ऐ जिंदा जमीन खुदावंद पर हम रखा है, तेरा शुक्र तेरी तरफ। और जिंदा मेहरबान जलाल शनबाप के तू हमें अच्छे उस्ताद और अच्छे रहनुमा अता फरमाता है, जो हमारी विजन को, हमारे पैशन को जानते हुए हमारी विजन को क्लियर करते हैं कि हमने किस राह पर चलना है, और हमें जो अपने कलाम को जो तूने हमारे अंदर रखा है
उसको दूसरों तक किस तरह पहुंचाना है। अच्छे तरह मेहरबान जनाब सब स्टूडेंट्स के लिए तरीके मिन्नत करता हूँ, इनको अक्ल दाने फहमर हिकमत दे और अपने अरशाद आजम पर खुदा के दोस्त अमल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि ये कौमों कबीलों और खुदा के दोस्त मुख्तलिफ इलाकों में मुल्कों में जाकर तेरी खुदा के दोस्त कलाम की मुनादी कर सके और तेरी बादशाही के काम को वसा दे सके। खुदा के दोस्त हमारे साथ हो, बड़ी मोहतर रहनमाई कर, जितने जाने तेरे के सर नगुआ एक एक छू और बड़ी बरकत दे। खुदा के दोस्त अपने अरशाद आजम के लिए अपनी आमद आसानी के लिए तैयार कर। खुदा के दोस्त टीचर्स को खास तौर पर तेरे हुजूर लाता हूँ, इनको अकल दनाए फहम और हिकमत दे, ताकि ये खुदा के दोस्त जो भी खुदा के दोस्त कलाम हम तक पहुंचाए वो खुदा के दोस्त बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा के दोस्त हम दूसरों तक पहुंचाए, ताकि तमाम लोग तेरे गला में तेरी भेड़े हों, तेरे खुदा के दोस्त शामिल हो सके। खुदा के दोस्त तू जब आए तो कहे मेरे बाप की मुबारक लोगों और उस विरास में से लो जो बनाया से पेश तुम्हारे लिए तैयार की गई है। खुदा के दोस्त फिर से तेरे आगे आखिर बार मिन्नत करता हूँ कि तू खुदा के कौमों कबीलों और उम्मतों के लिए खुदा के दोस्त हमको इस्तेमाल कर, हम खुदा के दोस्त मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर इस खुदा प्लेटफॉर्म ग्लोबल बाइबल मिशन के वसासत से खुदा के दोस्त तेरी कलाम की मुनादी कर सकें और बहुत सी जिंदगी को तेरे पास में बने। हमारा ईमान है कि तूने हमें सब कुछ अदा कर दिया है, तू हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है। ये सब कुछ मानते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। ओह प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू भाई, खुदा उन आपको बहुत बरकत दे। लवली, सो गॉड ब्लेस यू, वी लॉग आउट को बरकत दे, देन वी लॉग इन। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।